शॉर्ट बॉल पे ये शॉट कौन खेलता है यार अगर मैं होता ना बस बॉल को देखता और शानदार खुद को एक्सपर्ट समझते हो तो खेलो प्लेयर्स पर लोएस्ट एंट्री फी में इस गेम में फाइनेंशियल रिस्क है और लत लग, लग सकती है

जिनको uh, कॉलर बोन में चोट लगी थी वो आज के मैच में आपको खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे यानी कि दूसरा वनडे मैच सैम्बिलिंग भी मिस करेंगे तो इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियंस का थोड़ा सा हेडेक बढ़ गया है कि उनको ग्यारह अपनी वो कैसे सेटल करते हैं किसको खिलाते हैं और लिविंग स्टोन का एक आज डेब्यू होने वाला है ये ऑलरेडी हम सबको पता ही है क्योंकि उनके बोर्ड ने ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑलरेडी दे दिया है और डेविड मलान जिनको हम सोच भी रहे थे कि ये क्यों नहीं है मलान उनके ओडिया स्क्वाड में तो अब मलान को भी ड्राफ्ट कर दिया गया है यानी कि वो भी अब सिलेक्शन के लिए अवेलेबल है तो आज देखना होगा कि क्या ग्यारह होती है जॉस बाटलर फिलहाल उनकी कैप्टेंसी करेंगे मॉर्गन की एब्सेंस में तो ये तो थी इंग्लैंड की अपडेट और उसके बाद इंडिया की अपडेट की अगर बात करूं तो श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा दो प्लेयर्स हमारे इंजर्ड हुए थे रोहित की इंजरी आ, उतनी ज्यादा मेजर नहीं थी उतनी ज्यादा उनको परेशानी नहीं थी एल्बो में उनकी चोट आई थी बैटिंग करते वक्त श्रेयस अय्यर की लेकिन जो चोट थी उसके चलते वो ऑलरेडी बाहर होगी तो आज देखना होगा कि कौन खेलता है सूर्य कुमार यादव का नाम सबसे आगे चल रहा है तो अय्यर तो के लिए हमारे पास है। इंडिया का कोई ऐसा सरदर्द की बात नहीं है उसके बाद ऋषभ पंत भी आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है अगर आप रोहित शर्मा को रेस्ट देना चाहते हैं क्योंकि रोहित भी ऑफकोर्स आगे आई भी क्योंकि आ रहा है और मिस करना शायद नहीं चाहेंगे और नहीं चाहेंगे कि उनकी चोट जो है वो ज्यादा बढ़ जाए और अगर इंडिया के पास ऑप्शन हैं तो आ, क्या प्रॉब्लम है अगर आप रोहित शर्मा को रेस्ट भी देना चाहेंगे तो ये थी कुछ टीम की सबसे पहले अपडेट और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो श्रेयस अय्यर ने एक इमोशनल मैसेज शेयर किया है अपने सोशल मीडिया पर ट्विटर इंस्टाग्राम पर उन्होंने फैंस के लिए एक मैसेज लिखा है कि उन्होंने आप सबके मैसेजेस पढ़े हैं जो आप लोग लगातार उनको कर रहे हैं विशेष दे रहे हैं रिकवरी के लिए मैसेजेस भेज रहे हैं तो वो वो पढ़ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि वो एक दमदार कम जल्द ही करेंगे इसके बाद बेन स्टोक्स ने कल कई सारी चीज़ों पर बात की है लेकिन जो एक चीज़ हाईलाइट हो रही है काफ़ी ज़्यादा आपको हर न्यूज़पेपर में देखने को भी मिलेगी वो है विराट कोहली के बारे में जब बेन स्टोक्स से पूछा गया कि विराट जैसा एनिमेटेड रहते हैं फील्ड पर जैसे ही किसी का विकेट गिरता है या कुछ भी होता है कोई कैच अच्छा प्लेयर कोई पकड़ता है तो विराट का जो सेलिब्रेशन का स्टाइल है वो कुछ इस तरह से एक्शंस करते हैं उस पर बेन स्टोक्स से पूछा गया कि आपको क्या लगता है तो बेन स्टोक्स ने उस पर बोला है कि ये हमारा स्टाइल नहीं है, ये विराट का 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 अपना अपना स्टाइल है है हर हर टीम का, हर प्लेयर का अपना तरीका होता है, हमने ये तरीका कप का छोड़ दिया है और सबका अपना अपना तरीका होता है तो विराट जिस तरह से करना चाहे वो कर सकते हैं लेकिन हमारा ये तरीका बिल्कुल भी नहीं है और उन्होंने थोड़ा सा अलग अंदाज में बोला है उसके बाद कल मैच से पहले के राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने अपने बारे में ज़्यादा बात की है क्योंकि ऑफकोर्स के एल राहुल का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा था तो मीडिया ने भी उनसे उनके बारे में ही ज़्यादा सवाल किए हैं तो राहुल ने बोला कि इस टीम इंडिया में जहाँ एक के बाद एक आपको परफॉर्मेंसेज देखने को मिलती हैं आप अपनी जगह को लेकर बिल्कुल भी सिक्योर कभी भी नहीं बैठ सकते हैं आपको लगातार परफॉर्म करते रहना है आपको अपनी जगह अर्न करनी है तो यही के भी बोला कि आ, मैं भी आ, कर रहा था और कोशिश कर रहा था ये उन्होंने बोला कि मैं मैं अपने दिमाग में सोच रहा था कि ज्यादा से ज्यादा अगर मुझे वहां पर क्रीज पर समय बिता मैं तो वो मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा लेकिन उस पर उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे दिमाग में कोई कोई डर था या कुछ ऐसा लगातार बात चल रही थी ऐसा कुछ नहीं वो बस ये कह रहे थे कि मैच खेलने की बात अलग होती है क्योंकि मैच प्रैक्टिस जब आपको मिलती है तो वो आपके गेम को इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है उसके बाद शाहिद आफरीदी एक और टॉपिक आपने देखा होगा काफ़ी बर्निंग टॉपिक है और लगातार आप स्पोर्ट्स तक पे भी देख रहे हैं कल आपने आज का एजेंडा भी रात आठ बजे देखा होगा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है जो एक वहाँ से अफवाह उड़ाई गई थी पाकिस्तान से कि शायद इंडिया और पाकिस्तान के बीच अब क्रिकेट हो सकती है तो उस पर शाहिद आफरीदी ने रिएक्ट करते हुए बोला है कोई कॉन्फर्मेशन उन्होंने नहीं दिया उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि अगर ऐसा होता है तो वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा इंडिया और पाकिस्तान अगर क्रिकेट खेलते हैं तो वो उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच किसी को लगता भी नहीं है और सब इन्जॉय करते हैं दोनों टीमों को खेलते देखना और उन्होंने बोला है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस जो हैं उनको सुधारना है उसमें इम्प्रूवमेंट लानी है तो क्रिकेट एक अच्छा मीडियम हो सकता है दोनों आ, मुल्कों के रिश्तों को और बेहतर करने में तो ये एक शायद अफरीदी ने बोला है उसके बाद आ, जिस खबर के लिए आप लोग इस वीडियो में आए हैं वो ये है कि माइक हसन ने ये बोला है कि विराट कोहली ने पहले ही आईपीएल ऑक्शन से पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो आरसीबी के लिए ओपन करने वाले हैं जब से हमने देखा है कि विराट ने इंग्लैंड के अगेंस्ट टी ट्वेंटी में ओपन किया रोहित के साथ और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया सब ये कह रहे हैं कि टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में विराट और रोहित ही होने चाहिए हमारे ओपनर्स जिसके बाद विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बोला कि आ, हम ट्राई करेंगे और मैं ज्यादा से ज्यादा और ओपन करूंगा लेकिन उससे पहले आई आ रहा है उसमें मैं ओपन करूंगा और उसके बाद ही उस पर कॉल लिया जाएगा कि मैं टी वर्ल्ड कप में ओपन करता हूं या नहीं करता हूं तो उस पर माइक हासन ने बोला है कि आईपीएल ऑप्शन के लिए जब आर जा रही थी उससे पहले ही विराट ने टीम मैनेजमेंट ने सबने बैठकर ये डिस्कस कर लिया था कि विराट आईपीएल में आरसीबी के लिए इस साल ओपन करेंगे तो अगली खबर है, कुछ कुछ है, है भुवनेश्वर कुमार की तारीफ की है और कहा है कि भूवी जैसा व्हाइट बॉल क्रिकेट में स्किलफुल बॉलर फिलहाल कोई नहीं है वो बेस्ट है जिस तरह से भूवी बॉल को मूव करवाते हैं वो कोई और बॉलर इस वक्त उतनी से नहीं करवा पाता है तो ये एक उन्होंने अच्छी बात फाइनली इंडिया के लिए बोली है या इंडियन प्लेयर के लिए बोली है उसके बाद ये तो हो गई सारी क्रिकेट की अपडेट्स और क्रिकेट की ही अपडेट्स आज आपको मैच है इसलिए दिखेगी न्यूज़पेपर्स में तो ऐसा नहीं है कि हम अदर स्पोर्ट्स कवर नहीं करते हैं। कल मैंने आपको बताई थी और आखिरी खबर है ग्रेट खली की द ग्रेट खली टू बी इंडक्टेड इन डब्ल्यू डब्ल्यू ई हॉल ऑफ फेम डब्ल्यू डब्ल्यू ई में एक खली ने एक अलग मुकाम बनाया इंडिया को इतना प्राउड किया और अब उसका रिवॉर्ड उनको दिया जा रहा है डब्ल्यू डब्ल्यू ई हॉल ऑफ फेम में उनको उनका नाम जो है शामिल किया जाएगा तो ये थी आज कुछ खबरें लेकिन अगर आपने स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एक्शन का दिन है आज सेकेंड वन डे है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है इंडिया के पास लीड है सीरीज में इंडिया आगे है वन जीरो और प्लेयर स्पॉट पे अगर टीम नहीं बनाई है सबसे इंपॉर्टेंट तो प्लेयर स्पॉट पर फटाफट अपनी टीम बना लीजिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और स्क्रीन पर आपको डिटेल्स इस वक्त दिख रही होंगी टीम बनाने में कोई भी दिक्कत हो तो का राजपूत जीरो वन मेरा इंस्टाग्राम जो आपको यहां दिख रहा होगा उस पर फटाफट आ जाइए फॉलो कीजिए और अपनी टीम भेजिए कल जिन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझे टीम पूछी थी मैंने उनको बताई भी थी और अब उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की टीम जो है वो अच्छा करे और आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स अर्न करें क्योंकि उसके बाद आप लोग मुझे ही पकड़ोगे अगर टीम नहीं चलती है तो खैर प्ले स्पॉट में अपनी टीम बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा और जैसा कि मैंने कहा स्पोर्ट्स तक के साथ बने रहना है क्योंकि हम लगातार आपके साथ लाइव जुड़ते रहेंगे थ्रू आउट द मैच टॉस के वक्त आपसे मिलेंगे डेढ़ बजे मैच है एक बजे आप साढ़े बारह बजे इनफैक्ट आप स्पोर्ट्स तक पे फटाफट लाइव आ जाइएगा क्योंकि हम उसके बाद से पूरा आपके साथ लाइव रहेंगे और लगातार आपको अपडेट्स देते रहेंगे टीम अपनी ध्यान से बनाइएगा श्रेयस अय्यर अब नहीं है रोहित शर्मा पे थोड़ा सा डाउटफुल है खेलना बाकी सूर्य कुमार यादव का डेब्यू हो सकता है और जब डेब्यू होता है तो प्लेयर्स कमाल करते हैं तो आप उनको कंसीडर कर सकते हैं बाकी इंग्लैंड की तरफ से आज मॉर्गन आपको नहीं दिखाई देंगे जैसा मैंने बता दिया ऑलरेडी सीरीज से बाहर हो गए सैम्बलिंग्स नहीं दिखाई देंगे और जॉस बटलर होंगे उनके कप्तान तो इस हिसाब से अपनी प्लेयर स्पॉट पर आप लोग टीम चुन सकते हैं और अभी मैं लेती हूँ इजाजत थैंक यू सो मच सब्सक्राइब बिल्कुल जल्दी से कर लीजिएगा थैंक यू स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें